हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू लाइफ स्टडी। स्वागत है आप सभी का द लाइफ स्टडी पर। देखिए, अलजेब्रा चल रहा है हमारा, और अलजेब्रा हमने 5-6 लेक्चर लगभग डिस्कस कर लिए हैं अपने। और आज का जो लेक्चर होगा, जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा, क्या आप इस तरह की क्रिटिकल प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं? तो यही चीज हमें यहाँ पर समझनी है आज, कि इस तरह की क्रिटिकल प्रॉब्लम जो है, अगर आपको तरीका पता है तो आपके लिए बहुत आसान है। अगर आपको तरीका नहीं पता तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि यार करूं तो करूं क्या, जाऊं तो जाऊं कहां, ठीक है? तो ऐसा लगेगा आपको। चलिए, इसके लिए मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आज आपका ऐसी प्रॉब्लम का सारा डाउट क्लियर करूंगा, और आपको जरा भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने सही तरीके से सुना समझा। तो मैं हमेशा बोलता हूं, जितना अच्छा आप सुनते हैं उतना अच्छा आपके समझ में आता है। द बेटर यू लिसन द बेटर यू लर्न। तो ध्यान दी, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें, इस प्रॉब्लम को करने में टाइम क्या लगेगा? देखो, टाइम इसमें ज्यादा नहीं लगेगा। हमें पता है पावर कितनी जानी है, 7। इसका स्क्वायर करेंगे, तो ये आएगा, यहां कितना आएगा, 7, ठीक। इसी से हम पावर 3 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक। 3 की जब वैल्यू निकलेगी तो ये आएगा आपका 27, और 27 में से हम क्या घटा देंगे, 9, ये जाएगा 18। अगर मैं बात करूं तो इसका अब जो आंसर आएगा, 18 × 7 − 3, तो यहां पर 70 × 8 = 56, 126 और −3, तो आंसर आ गया है 123, ठीक है। अब देखो, जो ये 123 आंसर आया, अब आप कहेंगे कि ये कैसे हुआ, ठीक है, यहां पर ये कैसे हुआ। तो देखिए, इसको हम यहां कैसे करेंगे। देखो, अगर आपको तरीका पता है, मान लिया मैंने आपको तरीका बताया, तो आपको कितना कम टाइम मिलेगा, आप क्या करोगे, इस तरीके से, ठीक। जैसे मैं टाइम ले रहा हूं, तो आप इस तरीके से इसको करेंगे, बस, और ये आपका यहां पर 800 कुछ करके आपका जो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इतना ही टाइम आपको यहां पर लगेगा, अगर आपको तरीका पता है तो। चलिए, अब हम उस तरीके को देखते हैं जो तरीका इसको करने का यहां पर होगा, समझ रहे। तो देखिए, अब मैं आपको पूरी कहानी जो है अच्छे से बताता हूं कि आखिर ये हुआ कैसे, इतना कम टाइम, इतनी क्रिटिकल प्रॉब्लम में। वीडियो को रोक कर अगर आपने खुद ट्राई किया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि इस क्वेश्चन में कितना दम है, और अगर आपको पता है तो इसमें कुछ नहीं है। देखो जरा ध्यान से समझना। अच्छा, चलो पहले मैं आपको चीज बता दूं, मैंने किया क्या यहां पर, मैंने क्या क्या स्टेप किए, ध्यान से समझना तभी समझ में आएगा। डोंट बी ओवर स्मार्ट, शांति समझेंगे सबसे पहले। हमें पता है कि भाई पावर 7 निकालना है, वो भी प्लस में, कैसे, प्लस में। तो हमें पता है कि अगर हम इस 4 पावर वाले की, ठीक, इस 3 पावर वाले मल्टीप्लाई करें, तो देखो ध्यान से समझो जो मैं आपको यहां पर पॉइंट बता के चलूंगा, ठीक। अब देखो ध्यान से, जब हम इन दोनों ब्रैकेट को ऐसे लिखेंगे मल्टीप्लाई में, x की पावर 4, 1 अपॉन x की पावर 4, x^3, 1 अपॉन x^3। नाउ अब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें की 4, ये 3 ही कितनी हो गई यहां से, 7। इसकी मल्टीप्लाई इसमें की 4, 3 कितना हो गया यहां से, 7 हो गई, ठीक। अब यहां पर ध्यान दो, x की पावर 4 की जब इसमें मल्टीप्लाई होगी, ध्यान देना, जब इसमें मल्टीप्लाई होगी तो कितना बचेगा, x बचेगा, और जब इसकी मल्टीप्लाई यहां होगी इसमें, तो यहां पर क्या बचेगा, 1/x। हमें वैल्यू निकालनी है इस पॉइंट की, x की पावर 7 प्लस 1/x^7, लेकिन इसमें फालतू आ रही है ये चीज, ये पॉइंट इसमें फालतू आ रहा है, हमें तो केवल इसका मान चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से x प्लस 1/x ये माइनस करना पड़ेगा। क्या आपके ये पॉइंट समझ में आया? चलिए, अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। दोबारा बोल रहा हूं मैं, हमें पावर 7 में आंसर लाना है, 7 में
लाने के लिए चार और तीन चाहिए हमें, ठीक। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे ये टर्म फालतू आएगी, हमें तो इससे मतलब है, जो टर्म फालतू आई हमने वही यहां से क्या कर दी, सब्ट्रैक्ट कर दी, घटा दी, ठीक है। तो इसको अब देखो ध्यान से क्या तरीका होगा पूरा का पूरा, ठीक, जो मैंने आपको अभी बताया। अगर कभी भी आपको ध्यान से देखना, कभी भी आपको x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन x की पावर 7 की वैल्यू निकालनी है, तो ये देखो आप, ये क्या है, प्लस है ना, तो यहां पर x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 और x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन x की पावर 3, मैंने गुणा करके इस टर्म को आपको दिखाया था और लास्ट में मैंने घटाया था x प्लस 1 अपॉन x, क्योंकि ये टर्म फालतू आती है, ठीक। ये अब देखो ध्यान से, हमें पता है ये बनेगा, देखो ये चीजें आपको केवल प्रैक्टिस से आ सकती है, एक्सपीरियंस से आएगी, एक्सपीरियंस प्रैक्टिस से आएगा, प्रैक्टिस करो एक्सपीरियंस हो जाएगा, सारी दिक्कत दूर जाएगी। देखो ध्यान से, हमें क्या पता है, पावर 4 निकालो, अगर हमें सारी टेक्निक्स जो मैंने आपको सिखाई वो पता है तो क्या करना पड़ेगा, इसकी हेल्प से आप स्क्वायर निकाल सकते हैं, स्क्वायर से फिर आप पावर 4 निकाल सकते हैं। ध्यान से समझना, यहाँ पर देखो अलग से बता रहा हूँ, मैंने आपको x प्लस 1 अपॉन x बराबर a दिया हुआ था, उससे स्क्वायर निकालना सिखाया था। स्क्वायर कैसे निकलेगा, पिछले वीडियो देखो अगर आपको नहीं पता, स्क्वायर करेंगे 2 घटेगा, फिर जब अगेन स्क्वायर करोगे पावर 4 हो जाएगी, ठीक, फिर 49 होगा, 2 घटे कितना आएगा आपका, यहाँ पर 47 आएगा, 4 आ गए, हमें 3 भी चाहिए, मैंने आपको यहां से 3 भी निकालना सिखा रखा है, तो इसी की हेल्प से हम 3 निकाल लेंगे, x की पावर 3, 1 अपॉन x की पावर 3 कितना आएगा, 27, पावर 3 करेंगे, इसमें से इसका 3 गुना घटेगा, क्यों, क्योंकि हमें प्लस में निकालना है, तो यहां पर ये आएगा 18। अब सारी वैल्यू यहां रखो, इसकी वैल्यू कितने है आपके पास 47, ये वैल्यू कितने आपके पास 18, माइनस ये वैल्यू कितनी आपके पास 3 है, तो इसको जब हम घटाएंगे आएगा आपके पास 843, ये आपका राइट आंसर होगा 843, ठीक है, समझ गए। चलिए थोड़ा सा मैं इसको बदलता हूं और आपको क्या ध्यान रखना है, देखो सबसे पहले यहां पर अगर हम बात करें, इसको अगर हमें माइनस में निकालना, ध्यान समझना, एक बार प्लस ले लिया मैंने और एक बार ले लिया मैंने माइनस, तो पहले इस प्लस के चक्कर को और थोड़ा अच्छे समझते हैं, ध्यान देना, जब हमने प्लस निकालना है, पावर हमें प्लस में निकालनी है, तो ये सारे ब्रैकेट प्लस में रहेंगे, सारे ब्रैकेट किस में रहेंगे, प्लस में। अब बात आई आपको याद क्या करना है, आपको ये माइनस ध्यान रखना, और ये कैसे ध्यान रखेंगे, ये हमेशा इस ब्रैकेट से याद रखा जाएगा, ठीक, तीन वाले ब्रैकेट से कोई मतलब नहीं है अभी हमें, यहां पर इस ब्रैकेट की हेल्प से हम इस साइन को याद रखेंगे, यहां जो भी होगा उसका उल्टा यहां होगा, ठीक। ध्यान से सुनो, प्लस में निकालना है तो सारे ब्रैकेट प्लस होंगे, क्लियर, लेकिन एक माइनस होगा, कैसे पहचाने माइनस, जो पावर तीन वाले को छोड़कर दूसरा ब्रैकेट इसके साथ है, जो चीज उसमें है उससे उल्टा यहां पर होगा, ठीक। अगर मैं माइनस में निकालना चाहता, अगर मैं इसी वैल्यू को एक्स की पावर 7 माइनस एक्स की पावर 7, एक्स की पावर 7 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 7 निकालना होता, तो यहां से मैं इसको कैसे करता, वो चीज आपको समझनी है, और वही चीज यहां पर आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अगर यहां मैं लिखूं, माइनस लिखता हूं यहां पर, मैं ये माइनस लिखता हूं यहां पर, तो आपने क्या करना है, ठीक, ध्यान देना, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 और एक्स की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3। अब यहां पर देखो आपके सामने ये तीनों ब्रैकेट तो बनेंगे ही बनेंगे, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना, तीन ब्रैकेट तो आएंगे आएंगे। अब क्योंकि यहां माइनस है, यहां क्या है माइनस, ध्यान देना यहां क्या बनना है आपका माइनस, तो अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई की जाए तब तो पावर किस में आई थी, प्लस में आएगी, एक्स की पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7 इन दोनों ब्रैकेट से किस में आएगी, प्लस में आएगी, लेकिन हमें किस में लाना है, माइनस में। अब हमारे पास दो तरीके बनते हैं, अगर हम इसको माइनस कर दें, मैं रेड से बता रहा हूं, अगर इसको हम माइनस कर दें तो हमारे पास जो पावर आएगी वो माइनस में आएगी, देखो कैसे, 4 की मल्टीप्लाई 3 में होगी तो 7 आएगा, ठीक, इस 1 अपॉन 4 की मल्टीप्लाई 1 अपॉन x की पावर 3 में होगी
तो चार यहां से, तीन यहां से, सात आएगा, ये तो पहला टर्म प्लस ही आएगा, माइनस प्लस माइनस, चार ये, तीन ये, सात, तो यहां से ये आ जाएगा। अच्छा अब जो एक नया टर्म आपके पास बनेगा, अगर यहां माइनस है तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस। क्यों करना पड़ा ऐसा, जो ये टर्म है जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आपका पूरा का पूरा माइनस में बनेगा इस तरीके से, तो यहां पर इससे कट जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको देखा, समझ गए इतना, चलो यहां तक हमने इसको क्लियर कर लिया, ठीक है। अगर हम इसको अब माइनस पूछा उसने हमसे तो हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए क्या, पावर थ्री निकाल लेंगे आराम से, पावर फोर चाहिए, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स हमारे पास है। ध्यान से समझना, यहां इसकी हेल्प से क्या हम पावर माइनस में जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। तो ध्यान से समझो, याद करो मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था, प्लस देकर माइनस में आना हो, यानी कि एक्स माइनस वन अपॉन एक्स निकालना हो, इसका स्क्वायर करेंगे और रूट ले लेंगे। तो जब इसका स्क्वायर और रूट लेंगे तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा, या एक तरीका और भी है जो मैं आपको बताऊं, यहां से प्लस निकाला, चलो ये निकाल दिया हमने, यहां आप एक काम करो यहां पर माइनस ही निकालो, चलो तो यहां पर आपके पास कितना आएगा, यह जाएगा रूट फाइव, स्क्वायर करेंगे चार घटेगा, माइनस है तो घटता है, ठीक। अब आप क्या कर लो, इसी के हेल्प से स्क्वायर निकाल लो, स्क्वायर हमने निकाला था कितना आया था, नौ में से दो गया था, सात आया, ठीक। अब पावर फोर को ध्यान देना, एक्स्ट्रा बता रहा हूं यहां पर आपको मैं, जो पावर फोर है इसको क्या हम इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, क्या इस तरीके से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, हाँ जी हाँ बिल्कुल, हम इसको इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर हमारे पास आ गया सेवन, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बराबर रूट पांच, और एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर थ्री। इस ब्रैकेट की ध्यान देना, इस ब्रैकेट की, इस ब्रैकेट के साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्मूला से। तो इधर की इस ब्रैकेट की इसने मल्टीप्लाई की, तो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, कितना आएगा हमारे पास, तीन रूट पांच, समझ गए। अब जब हम इन दोनों ब्रैकेट के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, चार वाला जाएगा। तो हमारे पास जो चार वाला आया, सात या इक्कीस, इक्कीस रूट कितना है हमारे पास, पांच आ गया, तीन की वैल्यू वही होगी अट्ठारह आएगी, ठीक है, अट्ठारह निकाल ली थी हमने, और यहां पर प्लस जो होगा हमारा, ये प्लस हमारा कितना है यहां पर, तीन, मल्टीप्लाई करेंगे अट्ठारह का अट्ठारह का आठ, हासिल है अट्ठारह दुनी छत्तीस और एक सैंतीस, तो ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर, ठीक। तो आपने ऐसे समझा, लेकिन ध्यान रखना ये क्या होगा आपका, गलत होगा, क्यों, क्योंकि हमने क्या कोशिश की, यहाँ पे लड़ने की कोशिश की। देखो मेरा एक पॉइंट आप समझो, यहाँ पर आपको मेरा कहने का मतलब केवल कितना है कि आपको ये पॉइंट रटना नहीं है, ये पॉइंट समझना है। अगर एक बार समझ गए तो आप कभी कंफ्यूज होगे ही नहीं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगे। ध्यान से समझो जरा, और ध्यान से समझो, यहां पर हमारा ये आंसर गलत है, कैसे, बात हमने समझी, शुरू में मैं आपको बताता गया और आप समझे कि हाँ हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, ठीक है। लेकिन कोई एक बच्चा तो ऐसा होगा जिसने वो बात पकड़ी होगी, जिसने वो बात पकड़ी तो वो मुझे जरूर बताए। देखो जरा ध्यान से समझना, यहाँ पर क्या मैंने आपको यहाँ पर फंसाने की कोशिश की, तो इस बात को आप समझना, और कैसे हमें एग्जामिनर वहां पे फंसाएगा और हम इसको गलत करके आएंगे, ध्यान देना। अच्छा एक बात देखो, पहले ये तो पॉइंट आपके बिल्कुल क्लियर था, इससे तो आपका आंसर आएगा बिल्कुल पक्का है। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे पावर चार की तीन में तो पावर सात आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे, चार है तीन है माइनस प्लस माइनस, ये भी क्लियर है कि सात ही आएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चार की इस पावर चार वाले की इसमें मल्टीप्लाई होगी, कट जाएगा आपस में तो प्लस के एक्स आएगा, ठीक। अब इस माइनस की इस प्लस वाले में होगी तो माइनस आएगा, चार से यहां पर कितनी बार, तीन से चार कितनी होगी, एक बचेगी, तो ये आ गया। हमने यहां पर प्लस लिखा, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। तो अब आप एक बात ध्यान दो, इससे तो केवल यही कट रहा है ना, वन अपॉन एक्स प्लस है, वन अपॉन एक्स माइनस है, तो यही कट रहा है, जबकि हमें तो ये पूरा ही गायब करना है,
हमें क्या करना है, ये पूरा ही यहां से गायब करना है। तो एक बात का ध्यान देके चलेंगे, ऐसा केवल और केवल कब हो सकता है, जब यहां पर क्या हो, अगर हमने यहां पर माइनस कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस। लेकिन अब क्या होगा, अब एक्स कटेगा और केवल एक्स ही कटेगा, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, अब ये कट देगा। लेकिन अगर हम यहां भी माइनस कर दें, अब देखो ये माइनस हो गया, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, क्या पूरा कटेगा, कटेगा या नहीं कटेगा। तो अब देखो इसकी वजह से ये टर्म गायब हुआ, प्लस के एक्स माइनस के एक्स, माइनस के वन अपॉन एक्स प्लस के वन अपॉन एक्स। तो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, इसको बनाने में वहां आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा आपको, तो आपको टेंशन नहीं लेनी, ठीक। आई होप आपने मेरा जो पॉइंट है समझाने का वो समझा होगा। अब देखो एक चीज मैं यहां पर आपको और बता दूं, बहुत ध्यान से समझना। देखो अगर अच्छे समझना है तो भाई ध्यान तो देना पड़ेगा, टाइम भी लगेगा, एक बार टाइम लगाओगे फिर आपका टाइम दिक्कत नहीं देगा, पेपर में आप आराम से करके आओगे। अब यहां पर भी आप माइनस ले सकते हैं, यहां पर आप प्लस ले सकते हैं, तो यहां पर हमने माइनस लिया, ठीक। अब इसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बाद में बात करूंगा इसके बारे में, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से देखना, चार यहां तीन यहां, तो कितनी होगी पावर हमारे पास, सेवन होगी। इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, माइनस प्लस माइनस आया, वन अपॉन एक्स की पावर कितना होगा, सेवन होगा, इसी का वैल्यू तो चाहिए, ठीक है। लेकिन एक्स्ट्रा क्या बचेगा, एक्स की पावर चार की जब तीन में होगी, माइनस प्लस माइनस ये बचेगा हमारा एक्स, इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें होगी यहां पर, तो हमारा बचेगा प्लस वन अपॉन एक्स, ठीक। और अगर हम इसको माइनस ही रखते हैं यहां पर, अगर इसको माइनस ही रखते हैं तो क्या आएगा, माइनस एक्स और प्लस वन अपॉन एक्स ये आएगा। अब क्या क्या टर्म कटेगा, ध्यान देना, ये टर्म कुछ कुछ भी नहीं कट रहा, माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, प्लस वन अपॉन एक्स कब कट सकता है, इसको आप प्लस करके देखो, जब हमने इसे प्लस किया तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये तो कट जाएगा, यहां पर क्या होगा आपका, ये कट जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारा एक्स नहीं कटेगा, अब एक्स नहीं कटेगा तो हमें क्या करना चाहिए, यही बस पॉइंट है, यही हमें समझना है, ठीक। तो यहां पर ध्यान दो, अगर हम इसे यहां पर प्लस करते हैं, ठीक है, यहां पर अगर हम प्लस कर दें और यहां पर हम क्या कर दें, माइनस कर दें, ठीक, यहां पर प्लस के और यहां पर माइनस। अब देखो एक्स तो आएगा किसका, प्लस का, और ये आएगा माइनस का, ठीक है। तो यहां पर ये माइनस प्लस कटा और ये माइनस प्लस कटा, समझे क्या, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, क्या आप मेरा वो पॉइंट समझे। अगर आप समझ गए तो आंसर आप किसी भी तरीके से ले आओगे, ये मेरा कहने का मतलब है। आपको ये कंफ्यूजन नहीं रहना कि यार यहां प्लस ये यहां माइनस, यहां माइनस से यहां प्लस, ये कंफ्यूजन में नहीं रहना। मुश्किल से अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आपको 10 सेकंड लगेंगे या 5 सेकंड लगेंगे, 5 से 6 सेकंड इसको सेट करने में। एग्जाम में बैठकर यार आप 5-4 सेकंड इसको नहीं दे सकते क्या, इतना बड़ा एक सवाल, जो बड़ा सवाल होता है वो आपका इसमें इसको एडजस्ट करने में जाएगा बस, बाकी आप ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू आराम से निकाल लोगे। अब देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं, क्वेश्चन को सेट हो गया हमारा सब कुछ, ठीक है। अब देखो हम इसको कैसे करेंगे, पावर चार निकालनी है हमें, तो यहां से एक बार तो स्क्वायर करना ही पड़ेगा हमें, एक बार जब स्क्वायर हम करेंगे यहां पर, ठीक, तो स्क्वायर जब होगा 9 में से क्या घटेगा, 2 कितना आएगा, 7, फिर एक बार और स्क्वायर कर दो इसी का, इसका एक्स की पावर 4, 1 अपॉन एक्स की पावर 4, 49 में से 2 घटेगा कितना आएगा, 47। पावर 3 में निकालना है क्योंकि यहां पर माइनस है, तो हमें एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स चाहिए। अब मेरी बात का ध्यान देना, प्लस से जब हम माइनस निकालते थे लास्ट वीडियो में, देखो प्लस में जब माइनस निकालते थे तो हम क्या करते थे, स्क्वायर स्क्वायर करेंगे 9 और माइनस है तो माइनस करेंगे कितना, 4, ठीक है। तो यहां पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, √5। देखो कितना आसान है, ठीक है, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स को निकाल लिया, √5 यहां रखेंगे, समझ गए क्या। तो मैं इसको यहां पर लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए, ये मैंने सारी वैल्यूज जिनकी मुझे जरूरत थी मैंने निकाल दी। अब देखो कितनी तेजी से आंसर हमारा आएगा, भाई यहां पर 4 वाले का मान कितना आ गया, 47, हमने यहां पर क्या रख लिया, 47, ठीक, गुना करेंगे ये आया √5, ठीक, ये आया x माइनस वन अपॉन x का वैल्यू √5। यहां पर देखो हम क्या करेंगे, क्यूब निकालने के लिए
इसका पावर थ्री करेंगे, इसकी पावर क्या करेंगे थ्री, तो आएगा फाइव रूट फाइव। हमें निकालना है माइनस, तो यहाँ कर देंगे हम प्लस, इसका ही तीन गुना यहाँ पर जोड़ देंगे। ये सारी चीजें बता चुका हूं आपको, इसलिए अगर किसी के समझ नहीं आ रहा उसको जरूरत है पहले वीडियो देखने की। इसकी वैल्यू हमने निकाल ली रूट पांच, ठीक है, ये हो गया आठ रूट पांच। तो सैतालीस गुना आठ रूट पांच और प्लस रूट पांच, बस ये आपका आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देना और ये रूट पांच इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है, ये रूट पांच भी क्या होगा इसमें जुड़ जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। क्या जो मैंने आपको बताना चाहा आप वो समझे? आई होप आप समझे होंगे। अगर फिर भी कोई स्टूडेंट नहीं समझ पाया तो आप वीडियो को रिपीट करके देखें दोबारा से, समझ में आएगा। फिर उसके बाद आप खुद इस चीज को बना बना के देखना, बार बार खुद बना के देखना, यकीन मानो जैसा मैं अलजेब्रा इस बार आपको करा रहा हूँ 1% भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। और जब आपका मेंस एग्जाम नजदीक होगा तो मैं स्पेशल आपके लिए मेंस का बैच चलाऊंगा स्पेशल फॉर फ्री, मैथ में अपना स्पेशल मेंस के लिए आपको फ्री कराऊंगा, चिंता मत करना आप लोग, लेकिन अभी इसमें इंजॉय करो, ठीक है। चलिए ये तो हमने निकालना सीख लिया पावर सात में कैसे कैसे कर सकते हैं, सारी मैंने आपको इसमें सब चीजें तोड़ मरोड़ मैंने आपको इसमें सिखा दी। देखो टाइम ले रहा हूं बिल्कुल, इसमें आपको भी दुख नहीं होना चाहिए कि सर इतना टाइम ले रहे हैं। भाई अगर हम यहाँ इतना टाइम दे रहे हैं तो पेपर में आप बहुत कम टाइम दोगे, अगर आप यहाँ टाइम नहीं दोगे तो आप वहां बहुत ज्यादा टाइम दोगे, तो ध्यान रखना यहाँ टाइम दो एक बार, वहां टाइम बचेगा आपका। आपको निकालनी है पावर फाइव। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, पहले इस पूरे लॉजिक को समझते हैं कि आखिर ये मैटर क्या है। हम इसको कैसे भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एच स्क्वायर प्लस वन अपॉन एच स्क्वायर एक्स की पावर थ्री माइनस वन अपॉन एक्स की पावर थ्री, हमने लिखा ये अभी इसी से मतलब रखते हैं, है ना। चलो इसकी मल्टीप्लाई करो, देखो जब हम लोग इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स की पावर दो तीन कितना हो गया पांच, दो तीन माइनस प्लस माइनस कितना हो गया हमारे पास पांच, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें होगी इस पहले टर्म की इस दूसरे टर्म में मल्टीप्लाई होगी, माइनस प्लस माइनस पावर कटेंगी आपस में, तो वन अपॉन क्या आएगा आपका एक्स आएगा, है ना। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो यहां पर आएगा आपका प्लस के एक्स। अब एक बात देखो, अगर ये दोनों टर्म आपको कैंसिल करने हो तो यहां पर एक तीसरा ब्रैकेट आएगा एक्स और वन अपॉन एक्स वाला, इसके साइन नहीं पता और यहाँ साइन नहीं पता, कैसे पता करेंगे, आपको एक्स काटना है, एक्स कैसे ये माइनस का, तो जब माइनस बाहर हो तो ही, जब माइनस बाहर हो तो ही ये एक्स कैसा आएगा माइनस का आएगा, एक्स तो माइनस हो गया, ठीक। अब आपको ये वन अपॉन एक्स यहां पर माइनस है ना, तो वहां कैसे ये आपको प्लस का, तो माइनस करो, माइनस माइनस क्या होगा, समझ गए क्या, क्या आप इस टेक्निक को समझे, जानबूझ के गलत किया था और आपको लग रहा है यार सही हो रहा है बिल्कुल मजा आ रहा है कोई दिक्कत नहीं सीख गए, लेकिन इतना भी आपको वो आलसी नहीं होना जितना मैंने आपको बनाने की कोशिश की और मैंने आपको बना दिया। तो देखो यहाँ पर ये तरीका होगा करने का, चीजें मैंने आपको सारी सिखा दी, अब देखो ये ही तो बचा जिसकी वैल्यू चाहिए थी, यही तो बचा है ना बस। तो अब हमारा गेम आसान है, बहुत आसानी से हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, ध्यान से देखना, गर्मी थोड़ी ज्यादा है इसलिए। देखो यहां पर अब हम कैसे करेंगे, हमारे पास प्लस में है स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर करेंगे मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या आएगा आपका तेईस, भाई स्क्वायर करेंगे दो बटेगा तेईस आ गया, क्यूब निकालना है, क्यूब कैसे निकलेगा, इसको निकालने के लिए अभी हमें क्या चाहिए एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की जरूरत है, तो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, ध्यान दो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स निकालने के लिए प्लस से माइनस जाना है, इसका स्क्वायर करेंगे पच्चीस माइनस में निकालना चार माइनस, तो कितना आ गया रूट इक्कीस, तो यहां पर आ गया आपका रूट इक्कीस। लेकिन ये केवल वैल्यू किसकी आई भी हमारी एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की, हमें क्या चाहिए पावर थ्री, हमें निकालना है पावर थ्री, तो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बराबर रूट इक्कीस है, थ्री करेंगे तो इसका क्यूब होगा, जब इसका क्यूब होगा तो क्या आएगा इक्कीस रूट इक्कीस माइनस, तो यहां क्या होगा प्लस, इसका तीन गुना थ्री रूट इक्कीस कितना हो गया चौबीस रूट इक्कीस होगा, क्या ये हो गया आपका चौबीस रूट इक्कीस, ठीक है माइनस, इसकी वैल्यू कितनी निकाली अभी हमने रूट इक्कीस, ये हो गया आपका रूट इक्कीस,
मल्टीप्लाई करेंगे 23 गुना 24 रूट 21 माइनस रूट 21 घटा देना, आंसर आ जाएगा। तो अब तो हाँ या ना बोलो, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है? यस और नो में आपको आंसर करना है, ये आपका आंसर हो घटा देंगे। कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो इस टाइप का कर लेंगे। चलो इसको दूसरे तरीके से समझो, यही के यही खत्म करते हैं इसकी कहानियां, क्योंकि मैंने आपको सब कुछ निकालना सिखा रखा है, ठीक? तो देखो, किसी के दिमाग में सवाल ये उठ सकता है कि सर यहां प्लस करो आप और यहां माइनस करो। लो जी भाई साहब, आपसे बढ़कर तो हम नहीं है, आपकी हमने बात मानी, ठीक है? अभी इसका साइन छोड़ देते हैं, इसका साइन छोड़ देते हैं, वो आप खुद ही डिसाइड कर लोगे। देखना अब की बार मैं नहीं कहूंगा, इसको लिख कर खुद ट्राई करो, तब आपकी समझ में आएगा। देखो ध्यान से, यहां पर पहले इनकी मल्टीप्लाई करो, दो तीन कितनी हो गई यहां पर आपकी पांच, ठीक है? दो तीन कितनी हो गई यहां पर आपकी पांच, माइनस प्लस तो माइनस आएगा आएगा। जब इसकी मल्टीप्लाई स्क्वायर की इसमें करोगे प्लस प्लस, ये क्या आएगा वन अपॉन एक्स। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस, ये आएगा आपका एक्स। आपका यहां एक्स आया माइनस, तो आपको यहां एक्स कैसा चाहिए प्लस, तो अभी तो एक्स प्लस का आ जाएगा, प्लस का आएगा एक्स, ठीक? लेकिन वन अपॉन एक्स कैसा है यहां प्लस का, तो अब ये आपको कैसा चाहिए माइनस, तो ये क्या आ गया, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? क्या आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हैं या नहीं? मेरे अकॉर्डिंग आप समझ गए, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से जितना हो सकता है समझाया। अब आपके दिमाग में कभी भी माइनस प्लस, यार यहां माइनस तो यहां प्लस, यहां प्लस तो यहां माइनस, बनेगा ही नहीं। यहां क्या लें, यहां क्या लें, बस आपको ये देखना है यहां क्या है। अगर माइनस है तो एक माइनस जरूर होगा इनमें से, ये ध्यान रखना है। अगर प्लस है तो दोनों प्लस होंगे, और फिर जो एक्स्ट्रा बचेगा उसको आप एडजस्ट कर लेंगे खुद ही। तो क्या आप मेरी बात समझे? देखो इस दो, ये दो तीन तरह के सवाल हैं, जैसे बस प्लस माइनस चेंज होगा। मैं इसमें इतना टाइम क्यों ले रहा हूँ? क्या मेरे सिर में दर्द है? नहीं, मैं चाहता हूं कि आपका क्वेश्चन गलत ना हो, पेपर में आपको कंफ्यूजन ना हो, कुछ भी बड़ी चीजों को भी आसान बनाया जा सकता है अगर हमारे हर एक पॉइंट टू पॉइंट क्लियर है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपका ये समझ में आ गया। अब देखो आंसर हम कैसे करेंगे, यहां पर माइनस में निकालना है, ठीक? अब देखो यहां से हम क्या कर सकते हैं, माइनस की अभी हम वैल्यू निकाल सकते हैं, यहां से कैसे निकलेगी, स्क्वायर करेंगे 25, चार घटेगा क्योंकि यहां माइनस तो माइनस, रूट 21। अब ये माइनस चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस वन अपन एक्स स्क्वायर, इस पूरे ब्रैकेट की, इस पूरे ब्रैकेट के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे, मतलब इस ब्रैकेट की इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, जो होती है एक्स स्क्वायर माइनस वन अपन एक्स स्क्वायर बनेगा, इसकी मल्टीप्लाई इस साथ कर दो, पांच रूट कितना आ गया हमारे पास 21, वैल्यू रख दो, पांच रूट कितना आ गया हमारे पास 21 गुणा। अब की बार प्लस में चाहिए, जब हम प्लस में चाहिए तो हमें क्या चाहिए, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। भाई बिल्कुल निकाल देंगे, देखो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स आपके पास ऑलरेडी है यहां पर ये, ठीक है? तो अब एक बात ध्यान दो आप, जब आपके पास ये है तो यहां से क्या निकलेगा, पावर थ्री करेंगे 125, इसका तीन गुना करेंगे कितना 15, प्लस तो क्या कर देंगे माइनस, और प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है यहां पर आपकी रूट 21, ठीक है? रूट 21 आ गया, और यहां से पांच रूट कितना हो गया आपका 21, ये कितना है आपका 110, और प्लस के रूट 21 सॉल्व कर लेना आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? ये कितना हो गया आपका 550 रूट 21, और ये प्लस के रूट 21, तो ये कितना आएगा आपका 551 रूट 21। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है, इसी तरीके से हम इसको कर लेंगे, आसान है, समझ गए, ठीक है? चलिए अब हम चलते हैं अपने आगे के क्वेश्चन पर। यहां पर आप प्लस भी निकाल सकते हैं, अगर आप चाहे तो यहां पर आप प्लस भी निकाल सकते हैं, ये बात मेरी आप लोग, चलो मैं समझा लेता हूं कैसे आप प्लस निकाल सकते हैं, वो भी आप लोग समझे। अगर आपको यहां प्लस दिया हुआ होता तो यहां तो प्लस ही करना पड़ता, यहां प्लस करोगे तो दोनों वैल्यू क्या आएंगी, सारी की सारी वैल्यू एक्स की पावर पांच प्लस वन अपॉन एक्स की पावर पांच एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, सारी प्लस है क्योंकि दोनों जगह प्लस है। तो फिर आपने क्या करना पड़ेगा, यहां माइनस करो तो यहां प्लस कर दो, माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, देखो कट रहा है क्या, पूरा कट रहा है,
ठीक है, तो बस ये फॉर्मूला बन गया एकदम, बहुत तेजी से आएगा जब अगर आप ध्यान दे करके चलोगे। ठीक, अब एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना है इसकी हेल्प से, 25 में से दोगे कितना आ गया, 23 आ गया, ये निकालना है फिर से वही, 3 घात करो इसकी, ये हो गया 15 घटाओ माइनस, इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 5, ठीक 23 आ गया गुना 110 माइनस 5, क्या इतना भारी है क्या, नहीं ना, तो बहुत आसानी से करोगे अगर आपका पॉइंट क्लियर है तो। तो मैंने आपको पूरी थ्योरी इसकी क्लियर कर दी, कैसे ये कॉन्सेप्ट आपका बना, समझ गए क्या आप लोग, मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ आपको लेकर के, ये कहानी को मैंने कर दिया शूट आउट, पूरी कहानी मैंने खत्म कर दी, आपका कोई कंफ्यूजन अब आप नहीं रखोगे दिमाग में। देखो कुछ नए तरह के क्वेश्चन अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ आपके, तो देखना क्वेश्चन कैसे होंगे आपके। यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन इंक्लूड कर रहा हूँ अगला आपकी क्लास में, ये क्वेश्चन लीजिए आप, एक आपको खुद करना है, x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3 एंड यू हैव टू फाइंड, ये आपको निकालना है ठीक है, और यहीं से आप निकालेंगे x की पावर 7 माइनस x की पावर 7 ये वैल्यू, और प्लस में भी आपको निकाल लेंगे इन दोनों की वैल्यू, क्या कर सकते हैं आप इतना पक्का, चलिए ये पॉइंट आपको दोनों सवाल करने हैं और कमेंट में अपना आंसर देना है। ये तो हमने कर लिया क्लियर, अब कुछ नए तरह का सवाल से आपका पाला पड़ने वाला है। सवाल क्या है, x प्लस वन अपॉन x इज इक्वल टू आपको दिया गया 3 और यहां पर पूछा क्या गया आपसे, आपसे जो पूछा गया ये पूछा गया है एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब, ये आपसे यहां पर पूछा गया है। तो देखो ध्यान से देखो क्या करेंगे, इसका भी पॉइंट समझो पूरा, अगर आप ध्यान से समझोगे ना तो क्लियर हो जाएगा। स्क्वायर चाहिए ना, तो इससे स्क्वायर निकालो, स्क्वायर करोगे बिल्कुल कितना आएगा 7 आएगा, ठीक है चलो ये निकाल लिया। अब इसी से ही माइनस बनाओ, या हाँ इसी से आप क्या निकाल लो, एक्स माइनस वन अपॉन क्या निकलेगा, इसका हम रूट अभी निकाला था ना पीछे, 9 आएगा और माइनस है तो 4 माइनस कर देंगे, ये आएगा रूट 5। अब इस पूरे ब्रैकेट की इस पूरे ब्रैकेट के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, देखो क्यों करेंगे ध्यान दो, जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट की इस ब्रैकेट के साथ तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर 3 रूट कितना बनेगा 5। अभी आपको अजीब सा लग रहा होगा लेकिन कहानी सारी क्लियर होगी, यहाँ पर जो फिल्म है वो सस्पेंस वाली चल रही है, धीरे धीरे क्लियर होगी, तो ध्यान दे दो समझ में आगे कितना। अब देखो इसको मैं यहां से हटा रहा हूँ, बीच वाले को मैं यहां से हटा दिया, मुझे केवल और केवल किसकी जरूरत है, एक्स स्क्वायर की। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, ऐड कर दूं दोनों को, तो ये माइनस वाला पार्ट प्लस वाला पार्ट कैंसिल होगा के नहीं होगा, डेफिनेटली एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर, इनको ऐड करेंगे तो ये होगा 3 रूट 5 प्लस 7, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 3 रूट 5 प्लस 7 अपॉन, ये आ गई। अब आपके समझ में आएगा, हाँ सर एक्स स्क्वायर चाहिए था, एक्स स्क्वायर आपने निकाला, अब क्या चाहिए 1 अपॉन एक्स क्यूब, तो क्या हमें एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब और एक्स क्यूब इस तरह से वैल्यू चाहिए कि नहीं भाई, चाहिए। तो देखो हमारे पास x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 3 है, तो ये वैल्यू निकाल सकते हैं, घात 3 करेंगे 27 प्लस है माइनस के बदलेंगे 18 तो 9 तो 18 बच जाएगा, माइनस निकालना है तो अभी हमने x माइनस वन अपॉन एक्स क्या निकाला था रूट 5, इसको निकालने के लिए हमें ये चाहिए तो इसकी पावर कितनी करेंगे 3, तो कितना आएगा 5 रूट 5 माइनस है तो प्लस करेंगे, इसी का 3 गुना कितना हो गया यहाँ पे 8 रूट 5 हो गया, समझ पा रहे हैं, समझ में आएगा अगर समझने की कोशिश करो। अब आपको क्या चाहिए, 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू चाहिए, लेकिन अगर आप यहाँ डायरेक्ट ऐड कर दोगे तो ये माइनस ये प्लस ये कट जाएगा, जबकि हमें ये वाला पॉइंट काटना है, तो हम क्या करेंगे यहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे घटा देंगे, जब हम यहां से घटाएंगे तो ये माइनस और ये माइनस वाला प्लस और यहाँ पे ये माइनस ये कट गया, ये कितना हो गया आपका 2 अपॉन एक्स क्यूब बराबर हो गया 18 माइनस 8 रूट 5, अब इतना आप समझ गए,
तो देखो यहां से आप क्या निकाल लो, वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू निकाल लो, दो से काट दें कॉमन, लेकिन नौ माइनस चार रूट कितना आ गया पांच, इस दो से नौ बार, दो से चार बार, समझ गए। इसके साथ ये ऐड करना है क्योंकि वैल्यू क्या चाहिए, घटाना है। वैल्यू आपको चाहिए, यहां मेरे ख्याल से दिख पा रहा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स की पावर थ्री घटाना है, तो इस वाली वैल्यू में से थ्री रूट फाइव प्लस सेवन अपॉन टू, क्योंकि घटाना है तो माइनस करेंगे, ये वैल्यू माइनस कर देंगे, नौ माइनस चार रूट पांच, नीचे वन मान लेंगे, सॉल्व करेंगे, तो जब हम सॉल्व करेंगे ऊपर कितना आएगा, तीन रूट पांच प्लस सेवन, इस दो की मल्टीप्लाई ऊपर होगी, जब दो होगी तो माइनस अट्ठारह, माइनस माइनस प्लस आठ रूट कितना पांच, और नीचे दो एकम दो, ये समझ में आ गया। अब देखो आप यहां देखना इसको, चलो इधर देख लो, समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बड़ा नहीं है ये, इतनी जटिल समस्या कि आप कर ही नहीं पाओगे फिर, लेकिन मैं तरीका बता दूं, ठीक है। अब ये पांच आठ और तीन कितना हो गया ग्यारह रूट पांच, और ये कितना बचा आपका माइनस ग्यारह और बटे दो, ये आंसर, वो ग्यारह कॉमन भी ले सकता है आंसर को थोड़ा चेंज करने के लिए, समझ में आ गया क्या। दोबारा सुनेंगे ध्यान से, देखो आपको इतना पॉइंट पकड़ना है कि आपको निकालना क्या है, ये दो है ये तीन है, अगर ऐसे हो यहां पर दो यहां पर दो तो कर ही लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, बता तो दिया ही चीजें निकालना, लेकिन यहां पर दो है और यहां पर क्या है आपके पास तीन, तो तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं, तरीका रटवा नहीं रहा हूं, वैसे भी कर सकता है, यहां पर तीन यहां पर दो, अगर सारी चीजें आपको पता है तो मेरे भाई कुछ नहीं है ये क्वेश्चन करना, कुछ भी नहीं, ध्यान दो, आपको चाहिए था दो, तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको एक तो ऐसा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर चाहिए, ये सारी चीजें मैंने आपको निकालनी बता दी, इसको इसके साथ जोड़कर एक्स स्क्वायर आराम से निकाला जा सकता है, वन अपॉन एक्स क्यूब चाहिए, तो वन अपॉन एक्स क्यूब निकालने के लिए एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब निकालना पड़ेगा, एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब निकालना पड़ेगा, वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू यहां से जोड़ के निकालनी, घटा के निकालनी है, ये तो कॉमन सेंस है, तो आपको देखना पड़ेगा, देख सकते हैं, ठीक है, बस हमने यहां पर इनको ऐड किया है, जोड़ दे जैसा भी आप जरूरी समझेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दो से काट दिया नौ बार चार बार, बस फिर इसमें बीच में माइनस था, तो इस वैल्यू को और इस वैल्यू को आपस में घटा दिया, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया, क्लियर हो गया क्या। डोंट बी डिप्रेस, है ना, डोंट बी निगेटिव, बी पॉजिटिव, आएगा जरूर, करोगे तो आएगा, ठीक। चलो एक लंबे लंबे सवाल को छोटा कैसे बनाया जा सकता है वो तो मैं आपको सिखा ही रहा हूं, मेहनत तो कर रहा हूं ना आपके साथ, तो जब मैं इतना बताने में मेहनत कर सकता हूं तो आप समझने में नहीं कर सकते, डेफिनेटली आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ डेढ़ घंटा एक एक घंटा गर्मी में तप करके पसीने में भीग करके आपको समझाने के लिए खड़ा सकता हूँ, आप ठंडी हवा में बैठ के नहीं पढ़ सकते, पढ़ सकते हैं। चलिए तो आंसर आपका आ गया है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पे ले रहा हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, x प्लस वन अपॉन x की वैल्यू कितनी आपके पास पांच है, ठीक है, फाइंड करना है आपको x की पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन, ये निकालना है, ठीक है। देखिए ध्यान से, आपके पास x प्लस वन अपॉन एक्स है बराबर पांच, यही वैल्यू है। अब देखो अगर हम यहां पर हम क्या करें, यहां पर अगर हम x से क्या कर दें भाग कर दें ऊपर, फायदा क्या होगा, और x से हम भाग कर दें नीचे, फायदा क्या होगा, देखो इस x से x कटेगा, x की पावर कितनी बचेगी तीन, दो और यहां एक, मल्टीप्लाई कितनी जाएगी हमारे पास तीन। क्या आप एक बात सोचो, x प्लस वन अपॉन x दिया हुआ है, x क्यूब प्लस वन अपॉन x क्यूब नहीं निकाल सकते, निकाल दोगे, निकाल दो, मैं सिखा चुका हूं, यहां पर x से x कटा, नीचे x है ऊपर दो है, x आया वन के नीचे x जाएगा, इसको हम यहां पर लिख लेंगे माइनस तीन के साथ x, x से x कटेगा, इसको माइनस तीन ऐसे लिख लेंगे, देखो आंसर कितने जैसा आएगा, यहां पर हो गया कितना, ऊपर बचेगा 110, भाई तीन करोगे ना पंद्रह घटेगा 110, और नीचे क्या आ गया यहाँ पर पांच, पांच में तीन गया दो, आंसर कितना आ गया 55। टाइम लगेगा नहीं लगेगा,
अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर हम कैसे पहचाने कि x से भाग देंगे? तो भाई एक ही सीधा सा जवाब है, एक्सपीरियंस से आएगा। एक्सपीरियंस कैसे आएगा? एक्सपीरियंस प्रैक्टिस से आएगा। प्रैक्टिस कैसे आएगी? वो आपको खुद करनी पड़ेगी, है ना। चलो अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें थोड़ा सा आपको घुमाने की कोशिश करेगा, लेकिन आप घूमोगे नहीं क्योंकि आप लोग अच्छे से पढ़ोगे। देखो एक क्वेश्चन आप लोगों के पास और आ सकता है आपको डाइवर्ट करने के लिए, x प्लस वन अपॉन x वैल्यू 5 दे, 3 दे, 2 दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। x की पावर 4, x की पावर 3, x की पावर सॉरी 3 है, 3x की पावर 3, और यहां पर आपका है 5x² प्लस 3x। सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, कोई भी क्वेश्चन बेकार फालतू में मैं यहां पे नहीं ले रहा। x की पावर 4 प्लस 1, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक। अब देखो ये आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, आप क्या निकाल सकते? अगर आप एक्स स्क्वायर से भाग देते तो नीचे देखो, नीचे क्या बनेगा? नीचे 2 कट जाएगी, 2 आएगा और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या ये निकाल सकते हो आप? आराम से निकाल सकते हो। आपने जिससे नीचे भाग किया उससे ऊपर कर दो। जब ऊपर आप 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से भाग करोगे, 2 4 कितना बचेगा? एक्स स्क्वायर। 1 में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा, इसको इसके साथ लिख रहा हूं, ये आएगा, इसको साथ लिखा, प्लस 3 एक्स की घात 3, 2 एक कट जाएगी, 3 एक्स बचेगा। यहां पर 3 ऊपर आएगा, x है, एक x कटेगा नीचे, तो नीचे क्या बचेगा? x, ठीक। और आपका क्या बचा? 5x² से x² कटेगा, कितना बचेगा? 5, ये बच गया। ये ब्रैकेट बना दे अगर इसको हम, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो 3 में अगर कॉमन ले लूं तो हम इसको ऐसे लिख पाएंगे, बिल्कुल। अब देखो इधर देखना, उल्टा साइड देखना, इसकी वैल्यू कितनी है? 5, ठीक। तो 5 प्लस 5 गुणा कितना? 3। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना आएगा? यहाँ से 23 आएगा, ये आप सभी जानते हैं। नीचे भी कितना आएगा? 23 आएगा। बताओ क्या है सवाल में? कुछ भी तो नहीं। 23, 5 किया 15 और 5 कितना? 20, और बटे 23 कितना आ गया? 43 बटे कितना? 23। बताओ क्या है क्वेश्चन में? बताओ कुछ है क्या जो मैं आपको सिखा रहा हूं यहाँ पर? पसीने में भीग भीग के, है ना, पसीने भीग भीग के देख लो क्या हाल है, आप खुद देख सकते हो। तो मैं ये आपको ऐसे नहीं सिखा रहा हूँ, ठीक। ये बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं, मैं क्वेश्चन उठाता बहुत छोटे छोटे और आपको ऐसे लगाता कि माँ का दूध पिया तो करके दिखाओ, 7 जन्म तक नहीं भूलोगे, 200 वर्ष तक नहीं भूलोगे, कलयुग का सबसे खतरनाक क्वेश्चन, सतयुग का सबसे, ऐसे लिख के थंबनेल लगाओ तो क्या फायदा? कुछ फायदा ही नहीं है। कॉन्सेप्ट को समझ लो, काम आएगा, ठीक। एक बार पढ़ लो तमीज में, ठीक। शॉर्ट ट्रिक व्रिक के चक्कर में मत पढ़ो, वो टाइम गया जब शॉर्ट ट्रिक से काम चलता था और आप सिपाही बन जाते थे। आज वो टाइम नहीं है, बदलता जा रहा है समय, ठीक है। 20 चल रहा है, अगले साल और बदलेगा, फिर उस साल और बदलेगा, तो अभी से तमीज में आके पढ़ लो, कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लिया। चलो एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं और इंक्लूड करता हूँ आप लोगों के लिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन, ध्यान देना। अब देखिए मैं यहाँ पर आपके लिए दो क्वेश्चन और इंक्लूड करता हूँ, फिर आपकी क्लास को खत्म करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कभी कभी आपको लिखा हुआ मिलेगा इस तरीके से, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 3, या यहां पर देगा आपको प्लस 2। सारे आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए मैं संख्या उनके को चेंज नहीं कर रहा हूं, आए हुए क्वेश्चन है, आपका विश्वास बढ़ेगा कि हम आए हुए कर। आपको अगर वो पूछ ले m प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन m नहीं x है, क्योंकि इसमें m n भी मान सकता है वो, तो इसलिए m याद आ रहा था, क्योंकि m में भी माना हुआ है क्वेश्चन इसने। एक बात देखो, अगर हमें कभी ये निकालना हो तो हमें क्या चाहिए? x प्लस 2 1 अपॉन x प्लस 2। क्यों? आपने कहा था सर अगर x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर निकालना हो तो हमें जरूरत होती है x प्लस 1 अपॉन x की। वही तरीका हम यहां पर अप्लाई करेंगे, वही सेम तरीका। तो देखो हमें x प्लस 2 प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 चाहिए, तो यहां पर 2 नहीं है, यहां पर तो है, मैं इधर 2 ऐड कर रहा हूं और इधर भी मैं 2 ऐड कर रहा हूं। क्वेश्चन किस तरह से बदलेगा? x प्लस 2
प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू कितना बचेगा, माइनस दो। ये आपके पास हो गया, आप ये नहीं निकाल सकते। निकाल सकते हैं, कैसे निकलेगा, यहां पर स्क्वायर हो गया चार, प्लस में निकालने क्या कर दो माइनस, आंसर इतना आ गया आपके पास दो। भाई साहब काटे नहीं कटेगा, एकदम अच्छा सवाल है, मजा आएगा सवाल करने में। आंसर कितना आ गया आपके पास दो, ये हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसके जैसा ही बहुत तेजी से। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा यहां पर क्या होगा, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख रहा हूं यहां पर। क्वेश्चन है आपके लिए एम प्लस वन अपॉन एम माइनस थ्री इज इक्वल टू फाइव। क्वेश्चन क्या है, सीधा पूछा आपसे केवल और केवल m का मान निकालो। किसका मान निकालो, m का। बहुत आसान है भाई, तो देखो कैसे निकाल सकते हैं m का मान। यहां पर क्वेश्चन देख लूं मैं एक बार, सही है क्या, बिल्कुल सही है, ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ देखो यहां पर अब आपको कुछ नहीं पता, बिल्कुल अजीब कर दिया क्वेश्चन उसने। अगर वो ऐसे करता x माइनस थ्री करता, सर बोल प्लस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री करता, स्क्वायर पूछता, तो क्वेश्चन कुछ नहीं था, पिछले के जैसा था। लेकिन आप उसने आपकी हालत खराब करने के लिए बिल्कुल चेंज कर दिया क्वेश्चन को। उसने आपसे कहा कि केवल m का मान निकालो, यहाँ m n x y कुछ भी दे सकता है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीन घटाओ दोनों साइड से, जो नीचे है वही बना लो। क्या बना, m माइनस थ्री प्लस वन अपॉन एम माइनस थ्री बराबर कितना बचा, दो। ठीक है, अब एक बात मुझे आप बताओ, आपने एक फॉर्म पढ़ी थी x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर यदि दो हो तो इसका मतलब x बराबर क्या होगा, आपका वन होगा। स्पेशल केस याद करो, स्पेशल केस, तो ये वही तो है, x प्लस ये x प्लस इसी का उल्टा बराबर दो, तो इसका मतलब आपके पास m माइनस थ्री बराबर कितना होगा, एक होगा ना, तो m की वैल्यू कितनी आएगी, चार। आंसर आ गया, तो ऐसे करना है। ठीक है, आ गया मजा आपको, चलो मजा आ गया आपको। और देख लेते हैं कोई क्वेश्चन आपके लिए बचा तो नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपके लिए बच गया, नया क्वेश्चन है बिल्कुल। क्वेश्चन आपको जल्दी से आप क्वेश्चन लिख ले, मैं बोल रहा हूं। लिखिए x व 1 अपॉन x का औसत एक है। क्वेश्चन लिखो x व 1 अपॉन x का औसत एक है तब तब x की पावर 10 प्लस 1 अपॉन x की पावर 10 की वैल्यू याद करो। क्वेश्चन दोबारा बोल रहा हूं, x व 1 अपॉन x का औसत एक है तब x की पावर 10 प्लस 1 अपॉन x की पावर 10 की वैल्यू याद करो। देखो x व 1 अपॉन x, इसका एवरेज कितना दे दिया, एक। एवरेज क्या होता है, कुल योग, फॉर्मूला लिख लो, कुल योग बटे कुल आंकड़े, कुल आंकड़े, और ये फॉर्मूला होता है आपका एवरेज का। एक बात आप ध्यान दो, कुल योग, इन दोनों का कुल योग क्या आएगा, x प्लस वन अपॉन x, कुल आंकड़े कितने हैं, एक दो, नीचे आ गया दो, इन दोनों का एवरेज कितना है, एक, ये आ गया। इधर मल्टीप्लाई करो, x प्लस वन अपॉन x बराबर कितना आ गया, टू। मैंने भी बताया x प्लस वन अपॉन x बराबर टू हो, इसका मतलब x बराबर क्या आएगा आपका, वन। x बराबर वन आ गया, यहां पर वन की पावर दस और वन की पावर दस, ये टोटल कितना आ गया आपका, टू। हो गया ना क्वेश्चन, ठीक है पक्का। चलो एक क्वेश्चन और लिखो जल्दी से, और आपको करके दिखाना है, मैं आपको केवल बोल रहा हूं, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग मजेदार क्वेश्चन है, जल्दी से आप लिखिए। लिखिए क्वेश्चन, यदि a औसत है x व 1 अपॉन x का, लिखो यदि a औसत है x व 1 अपॉन x का तब x क्यूब व 1 अपॉन x क्यूब का औसत ज्ञात करो। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यदि a औसत है x व 1 अपॉन x का तब x क्यूब व 1 अपॉन x क्यूब का औसत ज्ञात करो। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। तो अभी तक हमने ढेर सारे क्वेश्चन डिस्कस किए, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर समझ में आया होगा, थोड़ा फास्ट था, कोई नहीं, समझ में आया तो रिपीट करके देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने साथियों तक शेयर कर दीजिए, लाइक आप जरूर करना, कमेंट करना। चलिए इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर।